नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरटी एडमिशन 2020-21 को लेकर स्कूल साथियों के आ रही समस्याओं पर अपन विचार विमर्श करेंगे। काफी सारे स्कूल साथियों को लेकर आरटी एडमिशन को लेकर कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे प्रोफाइल अपडेट को लेकर, विद्यालय फीस को लेकर, विद्यालय के निर्देशांक लेकर, गूगल मैप पर अपने विद्यालयों को किस तरह से डालें, उसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो कैसे डालें, और विद्यालय की जो प्रोफाइल है वो किस प्रकार से अपडेट करें। हालांकि इस बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन काफी सारे जो नए साथी हैं, स्कूल साथी, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हीं समस्याओं पर आज अपन इस वीडियो में है वो विचार विमर्श वो करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 जुलाई 2020 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक आरटी में एडमिशन वो चलेंगे, लेकिन यहां पर काफी कंफ्यूज वाला जो नए निर्देश है विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं, सारे जो स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो भैया, सबसे पहले तो मैं आपको पहली बात ये बता देता हूं कि देखिए, इस बार स्कूल साथियों को नुकसान होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरटी के नियम के अनुसार 25% सीटों पर हमें निःशुल्क की विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के अंदर या फिर प्रवेश वो देना पड़ता है, तो ऐसे में इस बार केवल कक्षा एक के अंदर ही अपन आरटी में प्रवेश दे सकते हैं। तो ऐसे में चलते हुए काफी स्कूल साथी ये सोच रहे थे कि जो P+3 है, 4 है, 5 है, ये जो क्लासेज है, इन क्लासों में जो बच्चे आरटी में एडमिशन था उनका, और जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में प्रमोट होकर आएंगे या आ भी गए हैं, तो किस प्रकार से ये जो 25% वाला मामला वो तो बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल है, ये बिगड़ेगा। अपन इसके बारे में पूरे विचार विमर्श करेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वैसे विभाग ने तो लफड़ा कर दिया है हमारे साथ, लेकिन फिर भी क्या है, हमें मानना तो ही पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोफाइल को लेकर। काफी सारे जो साथी हैं, प्रोफाइल को लेकर काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैंने सबकी जो समस्या है अपनी इस बुक में लिख रखी है, तो एक एक पर अपन विचार करते हैं। अगर आपको भी ये समस्या आई है तो आप ध्यान से इस वीडियो को है वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहली जो समस्या आ रही है वो प्रोफाइल को लेकर आ रही है, और प्रोफाइल में क्या आ रहा है कि नजदीकी जो सरकारी स्कूल है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो देखिए साथियों, आपको पता है कि अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में हमें नजदीकी सरकारी विद्यालय है वो चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है, फिर अपने जो ग्राम पंचायत है, फिर जो वार्ड है वो सिलेक्ट करना है। अब देखिए, हो सकता है कि आपकी जो स्कूल है वो शहरी निकाय के अंदर हो, तो वहां पर काफी सारे वार्ड हो गए, जो भी आप वार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सीनियर सेकेंडरी है, अगर वहां पर नहीं दिखा रहा तो हर एक वार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जो नजदीक में आपको दिखाई दे रहे वही आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि केवल एक बार आपके बिल्कुल पास नजदीक है वही यहाँ पे शो होगी, कोई ये जरूरी नहीं। यार, विभाग ही नहीं शो कर रहा तो आप कहां से शो करोगे। अगर मान लीजिए आपके ब्लॉक के अंदर अगर कोई सरकारी स्कूल आपके नजदीक नहीं है, तो फिर आप कोई दूसरा ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। भाई, हमें तो नजदीक वाली स्कूल है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपके ब्लॉक में नहीं है तो फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आप कोई दूसरा ब्लॉक है उसे चूज कर लीजिएगा। कि भाई, विभाग ने क्या कहा है, भाई ये कहा है कि आपके नजदीक सरकारी स्कूल कौन सी है, तो ये आपको कंफ्यूज है वो दूर करना है कि आपका जो ब्लॉक है उसे सिलेक्ट कीजिएगा, और जिस वार्ड के अंदर जो भी स्कूल आपको शो होती है आप बार बार करके चेंज करके देख लीजिएगा। हालांकि इस बारे में मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से वहां पे स्कूल है वो शो हो रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको डेमो के लिए, आप बने रहे मेरे साथ। तो आप अगर आपके ब्लॉक में शो नहीं हो रही है तो आप दूसरा ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आरटी एडमिशन को लेकर सबसे बड़ी समस्या साथियों की आ रही है कि सर, प्रोफाइल के अंदर P+3, P+4 और P+5 में भी टोटल स्टूडेंट हैं और आरटी स्टूडेंट की संख्या मांग रखी है, तो अपन वहां क्या कौन सी संख्या वो डालें। तो देखिए भैया, इस बार है इन तीनों ही क्लासों में, यानी पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनमें आपको आरटी में एडमिशन मिलेगा ही नहीं बच्चों को, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्लास से ही हमें आरटी में एडमिशन बच्चों को देना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नॉन आरटी के होंगे, क्योंकि काफी सारे स्कूल साथी है वो बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर, इसमें अपन संख्या कितनी भरे। तो आप अपनी मर्जी से आपके स्कूल की जितनी कैपेसिटी है वो आप भर सकते हो। अब बात करता हूं फर्स्ट क्लास की। देखिए, फर्स्ट क्लास में आपके जो आरटी के जो स्टूडेंट है वो कितने हो सकते हैं, जितने आपकी कैपेसिटी है आपके स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फर्स्ट क्लास की आपकी कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की है, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वो ले लेगा, जो आरटी पोर्टल है वो ऑटोमेटिक आरटी के अंदर बच्चे है वो शो कर देगा, 60 में से 15 वो शो कर देगा। ये जरूरी नहीं आप 60 करो, आप बढ़ा के भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है जो स्कूल साथी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट है जो P5 के अंदर प्रमोट होकर के फर्स्ट क्लास में आएंगे, जो कि आरटी है, जो पिछले साल में आरटी में उनका एडमिशन था, तो ऐसे में रेशियो तो ये बिगड़ जाएगा। तो देखिए भैया, आपको फर्स्ट क्लास के अंदर 25% वाला रेशियो ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
कि पिछले साल 8 बच्चे आरटी के अंदर थे, ठीक है, और वो प्रमोट होकर फर्स्ट क्लास में आ गए। अब जितने बच्चे फर्स्ट क्लास में आरटी में एडमिशन हो गए, मान लीजिए हमने 60 वाला क्राइटेरिया रखा, 60 में से फर्स्ट क्लास में 15 जो बच्चे हैं वो आरटी के अंदर आएंगे, ठीक है, नियमानुसार। अब जो पिछली क्लास के यानी P5 क्लास के जो 8 बच्चे हैं वो 15 से माइनस हो जाएंगे। अब पीछे कितने बच्चे, 7 बच्चे बचे, अब वो 7 बच्चे ही फर्स्ट क्लास में भी आरटी के अंदर हो गए, इसलिए वो रेशियो बिगड़ेगा नहीं, 25% का जो रेशियो है वही रह गया। वरना अगर 15 अपन ये कर देंगे और 8 पिछले साल वाले हो गए तो ये तो भैया मामला तो गड़बड़ हो गया, 25% से ज्यादा चला गया, तो ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, यही हमें नुकसान हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल छाती है उनको यही नुकसान होगा, क्योंकि पिछले वाले हमें लेना। देखिए गवर्नमेंट को अगर करना था, अगर मैं मेरी राय बताऊं तो धीरे धीरे करना था, लेकिन अचानक उन्होंने सारी कक्षाएं ब्लॉक कर दी है और केवल फर्स्ट में ही आरटी के एडमिशन उन्होंने रखे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रखा गया है कि आप 60 बच्चे ही शो कर सकते हो या फिर 100 बच्चे हैं वो ही आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने विद्यालय की कैपेसिटी के अनुसार वहां पर एडमिशन है वो दिखा सकते हैं। अब कई साथी ये बोल रहे हैं क्या हमें सर P+3, 5 या 4 के अंदर एडमिशन दिखाना है कि नहीं दिखाना, आप नॉन आरटी के दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले साल प्रमोट होकर आ जाएंगे। अब एक बात को लेकर स्कूल साथी कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इस बात को लेकर है कि जो बच्चे P+4 और P+5 में, अब उनकी जो उम्र है आरटी के नियम के अनुसार 2020-21 के अनुसार उम्र है वो 5 साल से तो बड़ी है और 7 साल से छोटी, यानी आरटी के दायरे में वो आ रहे हैं, तो क्या वो फर्स्ट क्लास के अंदर आरटी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो भैया देखिए यहाँ पर हर कोई गार्जियन हो चाहेगा कि उसका जो बच्चा है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक फ्री में पढ़े। हाँ, यहाँ देखिए जो P+4 वाला जो बच्चा है वो डायरेक्टली एक क्लास में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बीच में एक क्लास और रह गई है P+5 वाली, तो ये तो मुश्किल है। लेकिन जो P+5 के अंदर स्टूडेंट है वो आरटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर बाद में अगर क्राइटेरिया में वो आ जाता है, लॉटरी में उसका नाम आ जाता है, तो उसका आरटी में प्रवेश हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि विभाग के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन है वो नहीं जारी की गई है। तो ऐसे में ये कंफ्यूज वाला ही मामला है, अगर लॉटरी के दौरान अगर वो आ भी जाता है उसको एडमिशन देगा या नहीं देगा, इस पर तो बाद में अपन बातें करेंगे, क्योंकि अभी तक स्पष्ट गाइडलाइन मेरे पास भी नहीं है, विभाग ने भी नहीं जारी की है, तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है। इसके अलावा कुछ साथियों को GIS अपडेट करने में समस्या आ रही है, यानी अपने विद्यालय का अक्षांश और देशांतरी जो विस्तार है वो अपन किस तरह से अपडेट करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। एक तो अगर आप पीसी का यूज कर रहे हो तो पीसी के अंदर गूगल मैप है उसे ऑन कर लीजिएगा या ओपन कर लीजिएगा और लाइव लोकेशन का आप पता लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप एट प्रेजेंट आपके लोकेशन आपको वहां शो करेगा तो गूगल की जो सर्च बार होती है जहां पर अपन एड्रेस डालते हैं वहां पर आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार वो मिल जाएगा, तो वहां से उसको कॉपी करके आप प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपके पास मोबाइल भी है और मोबाइल के अंदर भी गूगल मैप है। अब देखिए, अब आपको अपने स्कूल में खड़े होना है, अपने मोबाइल को ऑन करना है, गूगल मैप को ऑन करना है, लेकिन गूगल मैप को ऑन करने से पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर के जो लाइव लोकेशन है, GPS सेटिंग है, उसको ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद आप गूगल मैप है ऑन कीजिएगा। अब जैसे अपन गूगल मैप पे ऑन करते हैं तो वहां पर अपने लाइव लोकेशन का एक पॉइंट आता है, उस पर आपको अंगुली प्रेस करनी है, भाई अपन एट प्रेजेंट कहां खड़े। अब जैसे उस पर अपन क्लिक करेंगे तो जो गूगल मैप है हमारा एट प्रेजेंट का लोकेशन है वो शो कर देगा, वहां पर एक रेड कलर का बिंदु से बन के आ जाएगा, उस पर आपको काफी देर तक अपनी अंगुली है वो प्रेस करके रखनी है। अब जैसे ही आप काफी देर तक अंगुली प्रेस करोगे तो गूगल की जो सर्च बार है ऊपर मोबाइल के अंदर वहां पर आपका अक्षांश और देशांतर है वो आ जाएगा और वहां से आप उसको लिख करके अपने प्रोफाइल में वो अपडेट कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ साथियों को समस्याएं आ रही थी कि भाई आरटी मान्यता क्रमांक में क्या डालें। देखिए यहां पर दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जिन स्कूल को नई मान्यता मिली है तो नई मान्यता के साथ ही उनके साथ ही आरटी की मान्यता मिल गई, उनको अलग से मान्यता नहीं मिली, तो लास्ट में आपको जो भी मान्यता मिली है वो आपकी आरटी की ही मान्यता है। जहां पर देखिए क्रमांक लिखा हुआ RJ, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड कोई भी हो सकता है, आगे डिस्ट्रिक्ट का कोड आएगा, फिर डिजिट आएंगे अंकों में 4-5 में, तो वो आपको वहां पे डालने, तो ये आरटी का क्रमांक हो गया। जो पुराने स्कूल हैं जो काफी सालों से चल रहे हैं उनको पहले क्या हुआ था, एक आदेश आया था कि भाई आरटी की मान्यता के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए विभाग ने अस्थायी आरटी की मान्यता दी थी, लेकिन कुछ ने तो अप्लाई कर दिया, कुछ को पता ही नहीं चला, तो ऐसे में जिन्होंने अप्लाई कर दिया तो उनको तो अस्थायी मान्यता मिल गई। लेकिन यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट टाइम में, सबसे लास्ट टाइम में आपको विभाग के द्वारा जो भी मान्यता मिली हो,
चाहे वो विषय की हो, चाहे वो संकाय की हो, चाहे वो स्थान परिवर्तन की हो, चाहे नाम परिवर्तन की हो, या फिर विद्यालय कर्मोन्नति की हो, वही आपके आरटी के क्रमांक है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। चलिए अगली बात करते हैं, अगली जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है फीस वाली। साथियों ने कहा है कमेंट के अंदर, काफी बार मुझे बोला गया है कि सर 2018-19 की फीस ही शो कर रहा है, वहां पर ना तो कोई अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ना ही कोई सुरक्षित का ऑप्शन आ रहा है, और ना ही वहां पे फीस है वो चेंज हो रही। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दो समस्याएं हैं, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल में नीचे सुरक्षित का ऑप्शन आ रहा है और फीस अपडेट नहीं हो रही है, तो आप फीस अपडेट वो नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, आरटी के नियम के अनुसार हमें फीस समिति बनानी पड़ती है, और एक फीस समिति अगले 3 साल के लिए फीस है वो निर्धारित करती है। यानी आज हमने फीस निर्धारित करी तो अगले 3 साल के लिए वो मान्य है, अपन बढ़ा भी नहीं सकते। तो ऐसे में विभाग के द्वारा 2018-19 में उस पोर्टल को खोला गया था, और जिन साथियों ने 2018-19 में फीस अपडेट करके उसमें सबमिट कर दी, अब उसमें अपन किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। केवल वही फीस हमें वहीं डालनी, वहां पर चेंज कर भी नहीं सकते, और नीचे केवल आपको सुरक्षित करना है। अब कुछ साथियों की समस्या आ रही है कि सर हमारे तो सुरक्षित का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो भैया, यहाँ से आपकी तरफ से गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ इसी साल हुई है। वो कैसे हुई है कि आपने जो फीस समिति वाला जो पोर्टल है या जो प्रोफाइल है, उसमें आपने 2020 में या तो जनवरी में या फरवरी में या मार्च में आपने उसमें अपडेट कर दिया होगा। तो आपने अपडेट कर दिया तो भैया वहां पर आपको सुरक्षित का ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से अपना जो आरटी का जो पोर्टल है, पीएसपी का पोर्टल है, उसके डैशबोर्ड पर क्रॉस का जो सिंबल है वो आ रहा है, राइट का सिंबल नहीं आ रहा है। तो भैया देखिए, यहाँ पर समस्या है विभाग की, अपनी समस्या नहीं है। तो इसलिए आप एक मेल है विभाग को कर दीजिएगा, उनको ये कह दीजिएगा कि हमने जनवरी में फीस अपडेट कर दी, अब सुरक्षित का ऑप्शन है हमारे पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर डैशबोर्ड पे क्रॉस का ऑप्शन है वो आ रहा है, हम फीस की जो प्रोफाइल है वो अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात है, आप आरटी विभाग जो जयपुर सेल है उसमें आप संपर्क कीजिएगा, मेल कीजिएगा, कॉल के द्वारा है आप उनसे संपर्क कीजिएगा। उनका जो फोन नंबर है आपको विद्यालय की प्रोफाइल में भी मिल जाएंगे, और आरटी पोर्टल, पीएसपी पोर्टल वहां पे भी मिल जाएंगे, आप वहां से वो ले सकते हो। लेकिन अपन फीस है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ये चाह रहे हो कि सर हमने तो 2019-20 में या 19-20 के लिए फीस समिति में नई फीस अपडेट की है, तो वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक विभाग पोर्टल नहीं खोलेगा, विभाग का ये कहना है कि भैया हमने पोर्टल खोला था 2018-19 में, इसलिए आप अगले 3 साल तक फीस है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए इसके बाद बात करते हैं, देखिए जो स्कूल की जो प्रोफाइल है उसमें उच्च कक्षा या जो लो कक्षा वो चेंज नहीं हो पा रही है। मान लीजिए आपका विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है, लेकिन वहां पर कक्षा 11 और 12 शो ही नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको इस साल नई मान्यता मिली हो। तो भैया देखिए, ये समस्या है विभाग की, इसके लिए आपका जो डीओ है, डीओ में आपको संपर्क करना पड़ेगा, आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है उसमें आपको संपर्क करना पड़ेगा, इस समस्या से उनको अवगत कराना पड़ेगा, वो अपने आईडी से उसे चेंज कर देंगे। आपका जो मान्यता मिली है आप वहां पे लेटर वेटर लेके चले जाओ, या फिर अगर आपका कोई वैसे संपर्क है तो फोन के द्वारा भी हो जाता। चलिए, तो ये समस्या तो कोई खास समस्या नहीं है। चलिए कुछ छात्रों की समस्या आ रही है कि जो P+3, 4 और 5 है, क्या इस साल उस कक्षाओं में प्रवेश ही नहीं ले सकते क्या बच्चे? तो भैया देखिए, यहाँ पर आरटी में आप प्रवेश नहीं दे सकते इन क्लासों में, पूर्व प्राथमिक क्लासों में, लेकिन नॉन आरटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप प्रवेश दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरटी में आप नहीं दे सकते। तो ये कुछ सामान्य समस्याएं थी, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर इन समस्याओं के संबंध में अगर आपको और भी कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, जब ये निर्देश जारी हुए तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इस बार सारा ही मैटर चेंज होगा, और मेरे सामने भी कई सवाल हैं वो खड़े हो गए, और कुछ साथियों के मेरे पास फोन भी आए, तो उनको ये बोला कि यार मेरे पास इसका समाधान नहीं है, मैं डिपार्टमेंट के व्यक्तियों से बात करूंगा। तो सही बात तो ये है कि जो डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब जय नए नए जो दिशा निर्देश आएंगे, आगे कोई अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं पीसी की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको प्रोफाइल अपडेट के बारे में कुछ तकलीफें आ रही हैं स्कूल साथियों को, चलिए वो तकलीफों को अपन दूर करते हैं और पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर आपको मैं वहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। लो साथियों, अपन आ गए हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर। यहां से अपन पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल की जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को अपडेट करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के बारे में जानेंगे।
साथियों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर दो स्कूलों की जो प्रोफाइल है वो ओपन कर रखी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर चार स्टेप तो कंप्लीट हो गई हैं और एक स्टेप पर क्रॉस लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर दूसरे स्कूल की प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पर देखिए सभी पर क्रॉस लगा हुआ है, कोई भी स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ से अपन सभी जो स्टेप है वो कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले अपन GIS निर्देशांक वाली स्टेप है वो कंप्लीट करेंगे। ये कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको विद्यालय वार्षिक प्रोफाइल वाली टेब है, इसमें विद्यालय निर्देशांक है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने विद्यालय का जो निर्देशांक है यानी अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, लेटिट्यूड और लॉन्ग लेटिट्यूड है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाय द वे मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रखा है क्या विद्यालय का GIS निर्देशांक सही है, अगर सही है तो यहाँ पर आप हाँ कर दीजिएगा वरना नहीं पे आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक बार नहीं पे क्लिक कर रहा हूँ और नहीं पर अपन क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा नवीन GIS। यहाँ पर लेटिट्यूड आपको डालना है और लॉन्ग लेटिट्यूड आपको यहाँ पर डालना है। अब वो कैसे डालेंगे, मोबाइल वाली प्रक्रिया मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखा दी। अब अपन PC पर गूगल मैप है वो ओपन करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको लिखना है गूगल में, गूगल मैप आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे गूगल मैप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए गूगल मैप के जो लिंक है वो आ जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद साथियों यहाँ पर आपका जो लाइव लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और लाइव लोकेशन देखने के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए छोटा सा यहाँ पर ये सिंबल लगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपकी यहाँ जो सर्च बार है गूगल की, ये देखिए सर्च बार है, इस सर्च बार में अक्षांश और देशांतर दोनों ही यहाँ पे आ गए। आप देखिए पहला वाला जो कोमा लगा हुआ है ये तो अक्षांश है, दूसरा है ये देशांतर, यानी लेटिट्यूड और लॉन्ग लेटिट्यूड ये दोनों। तो यहां से आप इसे देख करके और अपने विद्यालय की प्रोफाइल में है वो आप अपडेट है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर डालता हूं। चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अक्षांश और देशांतर वो अपडेट कर दिए, लेकिन अपडेट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका जो कारण है कि आपने ये जो नया जो निर्देशांक डाले हैं वो क्यों डाले, यहाँ से कोई भी एक कारण है, उचित कारण है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए साथियों यहाँ पर नीचे अपडेट का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो अपडेट है वो हो गया, हमारा विद्यालय का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो अपडेट हो गया, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। चलिए अब मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ कि ये स्टेप कंप्लीट हुई है कि या नहीं हुई है। अगर मुख्य फर्स्ट पे आप देखोगे तो देखिए साथियों यहाँ पर ये स्टेप है कंप्लीट है वो हो गई है। चलिए हमारी स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन विद्यालय प्रोफाइल की तरफ, ठीक है। विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको यहाँ मेनू बार के अंदर विद्यालय प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो आपके विद्यालय की प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मली आप अपने विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का एड्रेस वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो समस्याएं आ रही है वो आ रही है सरकारी स्कूल की। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी है और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय के नजदीक जो सरकारी स्कूल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना जो ब्लॉक है वो यहाँ से चूज करना है, उसके बाद जो ग्राम पंचायत है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है, चाहे वो सिटी हो या फिर ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, जिस हिसाब से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ये हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद वार्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना। चलिए हमने यहाँ पर एक वार्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये वार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। चलिए यहाँ पर एक वार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। ये वार्ड सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो देखिए साथियों यहाँ पर कोई भी स्कूल है वो शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई स्कूल ही नहीं है, तो आप कोई दूसरा जो वार्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ये वार्ड है वो सिलेक्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पे स्कूल आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्कूल है वो आ गई है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको ये पता लगाना है कि ये स्कूल आपकी स्कूल से कितनी दूरी पे है, तो वो दूरी आपको यहाँ डाल देनी। इसके बाद साथियों आपके जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आपका ब्लॉक है वो आपको चूज करना है, फिर ग्राम पंचायत है, यही स्टेप आपको फॉलो करनी है। अब देखिए साथियों मान लीजिए आपके ब्लॉक के अंदर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो आपका जो ब्लॉक है उसके अलावा दूसरा ब्लॉक है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और आगे की स्टेप है आप फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सबको अपडेट करता हूँ। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर सरकारी जो स्कूल है वो अपडेट कर दी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस तरह से आपको सरकारी स्कूल है अपने जो भी नजदीक है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर नॉर्मली बातें हैं, पर्सन है, उन पर्सन के जवाब आपको देने हैं, जैसे अपने स्कूल की मान्यता क्रमांक है, स्थापना वर्ष है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आपके विद्यालय के अंदर 12th क्लास को मान्यता मिली हुई है तो यहाँ से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, किस संकाय की आपको मान्यता मिली हुई है और उस मान्यता के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आए हुए हैं वो सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट
करना है। इसके बाद साथियों अगले कॉलम के अंदर आपको जो आरटी की जो मान्यता है वो आपको यहां डालनी है। अगर आपके पास स्पेशल आरटी की मान्यता नहीं है तो आपके स्कूल को जो लास्ट में मान्यता मिली है वही आरटी की मान्यता वो आप यहां पे डाल दीजिए। इसके बाद साथियों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पर अपने विद्यालय की जो कक्षा एंट्री है यानी फर्स्ट क्लास है और लास्ट क्लास कौन सी है वो आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर शो होगी। अगर बाय डिफॉल्ट आपके स्कूल के अंदर वो क्लासेस शुरू नहीं हो रही हैं जो आप संचालित कर रहे हो तो यहां पर देखिए नंबर दिए हुए हैं, नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वो ऑन करवा सकते हो। इसके अलावा देखिए साथियों यहां पर अपने विद्यालय के अंदर जो आरटी में जो प्रवेश देने बच्चों को कक्षा एक में, फिलहाल इस विद्यालय के अंदर जो कक्षा स्टार्ट हो रही है वो कक्षा एक से ही स्टार्ट हो रही है यानी फर्स्ट क्लास से हो रही है। यहां पर पी प्लस थ्री है, फोर है, फाइव है, वो सो नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां पर आप फर्स्ट के अंदर जो भी संख्या आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर हमें 60 संख्या हमने डाल दी, ठीक है, यानी हमारे विद्यालय के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर 60 की कैपेसिटी है, तो देखिए यहां पर ये जो आरटी की जो सीटें कितनी है ऑटोमेटिक ले लेगा। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिक 15 जो बच्चे हैं वो ले लेगा, यानी 25% है 60 का वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहां पर आसानी से ले सकते हो। चलिए यहां पर एक मैं दूसरे स्कूल की प्रोफाइल आपको ओपन करके दिखाता हूं। देखिए मैंने यहां पर एक दूसरे स्कूल की प्रोफाइल है वो ओपन कर रखी है जहां पर देखिए पी प्लस थ्री है, फोर है, फाइव है और फर्स्ट क्लास आपको यहां शो हो रही है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको नॉर्मली आपके विद्यालय के अंदर जिस क्लास में जितनी स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आप यहां डालिएगा और फर्स्ट क्लास के अंदर जितनी कैपेसिटी वो डालिएगा। हालांकि आरटी के अंदर केवल फर्स्ट क्लास में अपन एडमिशन दे सकते हैं। अगर पी प्लस थ्री फोर फाइव की अगर बात करें तो यहां पर देखिए जीरो आ रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर ये नहीं ले रहा है, ये वेबसाइट ही है वो नहीं ले रही। यहां पर हमने 60 डाला तो भी यहां पर जीरो जीरो संख्या डाल रही है, इसी डाल रही है क्योंकि इसके अंदर अपन फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाय डिफॉल्ट आप यहां पर अपनी कैपेसिटी के अनुसार है वो डाल सकते हैं और ये आरटी के अंदर जो एडमिशन है ये ऑटोमेटिक है वो ले लेगा। चलिए आगे की बात करते हैं साथियों। नॉर्मली आगे जो भी यहां पर बातें पूछे जा रहे हैं आप पढ़कर आसानी से इन सवालों के जवाब है वो दे सकते हैं। ये करने के बाद साथियों आपको सबसे पहले विद्यालय को यहां देखिए सुरक्षित करें, सुरक्षित पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहां पर सुरक्षित पे क्लिक करता हूं और सुरक्षित पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक बार होम पेज पर या डैशबोर्ड पर लेकर आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर आप देखोगे विद्यालय विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है, तो आपको यहां पे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद मैं आपको एक बार डैशबोर्ड है वो दिखाता हूं। तो देखिए साथियों डैशबोर्ड अगर आप देखोगे हमने हालांकि अभी तक विद्यालय वार्षिक प्रोफाइल है वो अपडेट कर दी है लेकिन यहां पर क्रॉस आ रहा है। ये क्रॉस क्यों आ रहा है देखिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी तक सुरक्षित किया है, लॉक नहीं किया है। एक बार इसको आपको लॉक नहीं करना है, एक बार ये सारी जो स्टेप अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद साथियों अगली स्टेप में अपन आते हैं फीस निर्धारण वाली के अंदर। चलिए यहां पर विद्यालय फीस निर्धारण पे अपन क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए साथियों फीस निर्धारण कमेटी का विवरण है वो ये मांगेगा, ठीक है, जिस हिसाब से आपने विद्यालय के अंदर फीस समिति का गठन कर रखा है और जो डेट है वो डेट आपको बारी बारी करके यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये डालने के बाद साथियों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद अपने विद्यालय के अंदर जो भी मान्यता है जिस भी माध्यम की मान्यता यानी हिंदी और अंग्रेजी अगर दोनों की साथ मान्यता है तो आपको दोनों ही कॉलम में फीस है वो डालनी है। अगर आप यहां देखोगे देखिए साथियों यहां पर इस स्कूल के नीचे ऑप्शन सुरक्षित का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। कारण इसका क्योंकि इस विद्यालय की ये प्रोफाइल है फीस वाली ये पहले ही अपडेट कर दी थी जनवरी माह में, इस कारण से यहां अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें आरटी सेल विभाग से ही बात करनी पड़ेगी तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे देखिए विद्यालय का माध्यमवार और कक्षावार शैक्षिक सत्र 2018-19 की फीस का विवरण, तो फिलहाल यहां पर जो फीस दिखा रहा है वो 18-19 की दिखा रहा है, पर नई फीस है यहां पर नहीं अपडेट कर सकते। अगर मैं दूसरे विद्यालय की प्रोफाइल अगर आपको यहां दिखाऊं तो देखिए साथियों यहां पर दूसरा विद्यालय की प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल के नीचे आप देखोगे तो यहां पर देखिए सुरक्षित का ऑप्शन आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस विद्यालय की जो फीस वाली जो प्रोफाइल है वो पहले अपडेट नहीं की थी। हालांकि इसकी जो फीस है फीस में भी अपन संशोधन नहीं कर सकते। देखिए यहां पर अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर कोई क्लिक है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर फीस में तो अपन चेंज नहीं कर सकते लेकिन हमें यहां पर सुरक्षित करना ही पड़ेगा तभी हमारी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर ग्रीन कलर है वो आएगा, ठीक है। तो ये समस्या होती है। अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर भी इस प्रकार का सुरक्षित का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप आरटी डिपार्टमेंट जयपुर से है वो बात करें, समस्या का समाधान वो हो जाएगा। चलिए इसके बाद अपने विद्यालय की जो सोसाइटी है उसका विवरण है वो भरते हैं। विद्यालय सोसाइटी पे आपको क्लिक करना है और यहां से क्लिक करने के बाद
नॉर्मली जो जानकारी है वो आपको यहाँ डालनी है, और जो भी आपकी सोसाइटी है, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो डेट आपको डालनी है, क्रमांक क्या है वो आपको डालने हैं, ठीक है, अध्यक्ष का नाम है, सचिव का नाम है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आपको डालने हैं। ये डालने के बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पे ये जो सुरक्षित का ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ, तो हमारी विद्यालय की जो सोसाइटी की प्रोफाइल है ये भी अपडेट है, वो हो गई है। चलिए अपन अब अगली स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो इनफ्रास्ट्रक्चर वाली है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय की जो भौतिक सुविधा है उनका विवरण आपको देना है। जैसे आपके विद्यालय में कैंपस कितने हैं, आपके विद्यालय में कमरे कितने हैं, खेल का मैदान की साइज क्या है, विद्यालय की साइज क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, पानी की टंकी है या नहीं है, आपके विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं है, पक्के मकान कितने हैं, कच्चे मकान कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। आप पढ़ोगे आसानी से वो कर पाओगे। इसके अलावा जो समस्या इसमें आती है वो ये आती है, देखिए कक्षा कक्ष वाली समस्या वो आती है। अब देखिए यहाँ पर आपको उन कक्षा कक्षों की संख्या डालनी है जिन कक्षा कक्ष में केवल विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके विद्यालय में 20 कमरे हैं और 20 में से केवल 10 कमरों में ही अध्ययन करवाया जाता है, तो कक्षा कक्ष हो गए 10। इसके अलावा प्रधाना कक्ष अलग होता है, कार्यालय कक्ष है वो अलग होता है, खेलकूद भंडार कक्ष है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय में जितने कमरे हैं, जितने रूम है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालने। और इसके बाद इसके आगे जो औसत उनकी लंबाई और चौड़ाई है वो आपको यहाँ डालनी है, और ये डालने के बाद आपको यहाँ नीचे जो सुरक्षित का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपकी ये प्रोफाइल भी है वो सुरक्षित हो जाएगी। चलिए मैं इसको सुरक्षित करता हूं, तो हमारी ये स्टेप भी है साथियों कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हो विद्यालय भवन से संबंधित जानकारी सुरक्षित कर दी गई है, ठीक है। चलिए अब इसके डैशबोर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। चलिए अपन डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड पर देखेंगे तो साथियों देखिए यहाँ पर 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है और 2 स्टेप कंप्लीट नहीं हुई। अब देखिए ये स्टेप फीस वाले इसलिए नहीं कंप्लीट हुई क्योंकि इस पोर्टल पर पहले ही जनवरी या फरवरी में फीस है वो अपडेट कर दी। एक बार फाइनली आप पे स्कूल की प्रोफाइल है वो लॉक कर दीजिएगा, इसके बाद ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में भी अभी क्रॉस का सिंबल आ रही है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको फाइनली लॉक नहीं किया है। तो देखिए यहाँ अगर अपन दूसरे विद्यालय की प्रोफाइल देखें तो देखिए अपन पहले बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए एक स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुई, क्रॉस का जो सिंबल है वो आ रहा है। चलिए इसको अपन कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के लिए हमें विद्यालय जो प्रोफाइल है इसमें जाना होगा। विद्यालय प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए आपको सबसे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए साथियों लॉक का ऑप्शन आ रखा है। अब इसको जैसे अपन लॉक करेंगे तो हमारी सारी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मैं इसको लॉक करता हूँ, और लॉक करने के बाद देखिए साथियों यहाँ पर आप इसमें किसी प्रकार का चेंज है वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो जो सूचनाएं आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके विद्यालय की प्रोफाइल और स्थिति के अनुसार ही हैं। आपने क्या क्या किया है यहाँ पर नॉर्मली बातें हैं वो आपको यहाँ शो करेगा। यदि वो सही है तो आप लॉक कर दीजिएगा, और वरना आप इसे कैंसिल करके दोबारा अपडेट है वो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसको डायरेक्टली लॉक करते हैं, और एक बार लॉक करने के बाद जैसा आप सभी को पता है कि प्रोफाइल लॉक हो जाती है, और लॉक होने के बाद इसमें किसी प्रकार का अपडेट है वो आप नहीं कर पाओगे। देखिए प्रोफाइल है वो लॉक हो गई है, स्कूल प्रोफाइल एंट्री लॉक्ड सक्सेसफुली। चलिए अब अपन इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं कि डैशबोर्ड पे वो सारी स्टेप कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। तो आप देख सकते हो साथियों स्क्रीन के ऊपर ये वही स्कूल है, यहाँ पर देखिए एक स्टेप कंप्लीट नहीं थी यहाँ पर। अब देखिए चारों जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, सब पे ग्रीन कलर वो आ गया है। तो इसीलिए हमारी जो स्टेप है प्रोफाइल के ऊपर जो क्रॉस का सिंबल आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने प्रोफाइल है वो लॉक नहीं की। अगर साथियों आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसे लॉक कीजिएगा, लॉक करने के बाद आपकी सारी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स काफी सारे साथियों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया था कि सर जो प्रोफाइल है उसको एक बार आप फिर से समझाइएगा, तो देखिए मैंने एक बार फिर से आपको समझा दिया है और मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि सारी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है इस स्कूल की, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, अगर फीस वाली समस्या आ रही है, तो देखिए वो तो विभाग का काम है, पोर्टल पे अपन इसको अपडेट नहीं कर सकते, विभाग ही उसको अपडेट करेगा। तो ये समस्या का समाधान तो आप वहां से कराओगे। अगर इसके अलावा जो 4 अन्य जो स्टेप है अगर उनमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूं। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो साथियों ये तो थी आरटी एडमिशन 2020-21 के लिए कुछ समस्याएं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए मेरे विचार और विमर्श, शायद आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके सामने कोई समस्या आ रहे हैं, कोई कंफ्यूज है, तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा साथियों एक बड़ी समस्या आ रही है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने स्कूल की जो प्रोफाइल अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2020 है, और ऐसे में पोर्टल वो वर्क नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उसमें अपडेट हो रहा है, अभी अपन प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं,
तो एक बार तो वो सही बता देता है, उसके बाद प्रोफाइल वो गलत बता देता है। तो भैया देखिए ये तो है टेक्निकल इशू, तो यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि भैया 8 जुलाई निकल जाएगी हम प्रोफाइल को अपडेट ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना। देखिये बीकानेर सेल के द्वारा हर डीओ को मेल कर दिया गया है कि भैया जल्दी से जल्दी आप स्कूल को कॉल करके उनकी प्रोफाइल वो अपडेट करवाए, क्योंकि जब तक स्कूल की प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी तब तक वो स्कूल है आरटी एडमिशन के लिए ऑनलाइन शो नहीं होगा। तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करनी है, जैसे ही आप जो अपना जो पोर्टल है वो सही वर्क करने लग जाएगा तो आप अपडेट वो कर दीजिएगा, भले ही 10 तारीख के बाद हो जाए उसके बाद हो जाए, तो आपको यहाँ चिंता नहीं करनी है। तो साथियों ये तो थी मेरी तरफ से आज आरटी को लेकर कुछ सवाल और जवाब, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मुझे बताना कि आज की जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन ग्रुप है उनमें शेयर कीजिएगा। शायद मैंने जो समस्याएं बताई हैं, जो साथियों की समस्या आ रहे हैं, अगर उनका समाधान इस वीडियो में उनको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।